दोस्तों फिर रावण पुत्र मेघनाद ने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके धनुष से चमकते हुए कूट, मुद्गर, शूल, भुशुंडी, गदा, खड़ग और फर से निकलने लगे। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख लक्ष्मण जी ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। ऋषि, पितर, देवता गंधर्व, गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में लक्ष्मण जी को घेर कर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसे रोकना बहुत ही कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदा पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था ऐंद्रास्त्र। वह युद्ध के अवसर पर कभी पराजित या असफल नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही। यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है तो हे अस्त्र, तुम इस रावण पुत्र का वध कर डालो। सम्रांगण में ऐसा कहकर वीर लक्ष्मण जी ने सीधे जाने वाले उस बाण को राक्षस मेघनाद पर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस ऐंद्रास्त्र ने रावण पुत्र मेघनाद के मस्तक को धड़ से काट कर धरती पर गिरा दिया। जैसे वृत्तासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार राक्षस मेघनाद के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवताओं, महात्मा ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। उस इंद्रद्रोही इंद्रजीत के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अप्सराएं नृत्य करने लगीं और देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे। मेघनाद को धराशाही हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लसित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों से मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध-बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। रावण पुत्र इंद्रजीत मारा गया और रणभूमि में सो रहा है। यह देख हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं दिखाई दिया। विभीषण, हनुमान जी और जांबवान ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। संग्राम भूमि में मेघनाद का वध करके रक्त से भीगे हुए लक्ष्मण जी उस समय विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। भगवान श्री राम के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास खड़े हो गए। उस समय विभीषण ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री राम से कहा, प्रभो, मेघनाद के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। महात्मा लक्ष्मण जी ने ही रावण कुमार इंद्रजीत का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हुआ है। यह समाचार सुनते ही भगवान श्री राम के साथ वानर राज सुग्रीव को भी अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने से तुम यह समझ लो कि हम लोग युद्ध जीत गए। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। लक्ष्मण जी अपने शरीर में धसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उस अवस्था में भगवान श्री राम ने उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम
कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया और मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना द्वारा घेर कर मार डालूंगा। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुषेण को बुलाकर कहा, परम बुद्धिमान सुषेण, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये लक्ष्मण पूर्णतः स्वस्थ हो जाए और इनके शरीर के घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। विभीषण के शरीर से भी तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छे कर दो, अथवा जो रीछ तथा वानर सैनिक हैं जो बाणों से बिंधे हुए हैं और घायल हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वानर युद्धपति सुषेण ने लक्ष्मण जी की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी सुगंध सूंघते ही लक्ष्मण जी के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने घाव थे वे सब भर गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुषेण ने विभीषण आदि समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से लक्ष्मण जी स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगी। उस समय भगवान श्री राम, वानर सुग्रीव, विभीषण तथा ऋक्षराज जामवान ने लक्ष्मण जी को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए और उनके अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की।